नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आयुष आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुराने से पुराने नज़ले, खांसी, जुकाम, बार बार छींक आना, नाक व आँखों से पानी बहना, इन सब के बारे में। इससे पहले कि हम अब अन्य वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, नज़ला कोई आम बीमारी नहीं है। क्या है कि हम इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। शुरुआत में तो इस बीमारी का ज़्यादा पता नहीं चल पाता, लेकिन बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि बार बार छींक आना, आँख नाक से पानी बहना, आँखें हमेशा लाल रहना आदि। और कई ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जैसे कि समय से पहले बूढ़ा होना, सफ़ेद बाल होना आदि। दोस्तों, फिर क्या है कि हम इस बीमारी के कारण कोई धूल मिट्टी का काम भी नहीं कर सकते, धूप में काम नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो छींक आनी बंद नहीं होगी, नाक वाकों से पानी बंद नहीं होगा। दोस्तों, जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है वही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, लेकिन क्या होता है कि जब तक हम दवाई लेते रहेंगे ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही दवाई बंद कर देंगे वही हालत फिर हो जाएगी। दोस्तों, चाहे आप कितनी भी दवाई ले लो, कैसे भी घरेलू नुस्खे अपना लो, छोड़ने के बाद कोई असर नहीं होता। दोस्तों, हमारे फैमिली मेम्बर को नज़ले की बहुत साल पुरानी समस्या थी। हमने भी बहुत सारी दवाइयाँ ली, घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन जब तक लेते रहे तब तक ठीक, लेकिन छोड़ने के बाद वही प्रॉब्लम फिर से हो गई। फिर किसी ने हमें एक बहुत पुराने वैद्य के बारे में बताया जो काफ़ी सालों से इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है, और हमने भी वहीं से ये दवाई ली। 10-15 दिन में हमें 70% रिजल्ट मिला। हमने ये दवाई कम से कम 3 महीने कंटिन्यू रखी और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसके बाद हमने हमारे आसपास जिसको भी ये समस्या थी उनको भी इस दवाई के बारे में बताया और उन सब ने भी ये दवाई ली। आज वो सब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ, एक बार आप इस दवाई को ज़रूर लेकर देखें, आप खुद औरों को भी लेने की सलाह दोगे। आपको करना क्या है, सुबह से हम आधी आधी चम्मच गुनगुनी पानी के साथ ये दवाई लेनी है, और इसके साथ आपको थोड़े से परहेज रखने होंगे, जैसे कि कढ़ी, चावल, केला, लस्सी, दही, खट्टी चीज़ें, फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ें इनके सेवन से बचें, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें कोई भी दवाई बताता हूँ वहीं से ले लेते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी हमें रिजल्ट क्या होता है, 0% मिलता है, क्योंकि खुद हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिसने भी बताया, हमने किसी भी जगह को नहीं छोड़ा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, परंतु इस दवाई से हमें पूरा 100% रिजल्ट मिला और नए ज़्यादा पैसे बर्बाद हुए। हॉस्पिटल मेडिकल वाले एक बार में ही हमें 1500-2000 रुपये की दवाई देते हैं, और ऐसे वो कंटिन्यू कम से कम 3 महीने हमें बुलाते रहते हैं, और आप हमारी इस दवाई से उन 1500-2000 रुपये में ही पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। दोस्तों, कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पर क्लिक करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।